आज से विजिलेंस अवेयरनेस सप्ताह की भी शुरुआत हो रही है। कुछ ही दिनों में देश सरदार वल्लभ भाई पटेल की जन्म जयंती मनाने की तैयारी कर रहा है। सरदार साहब एक भारत श्रेष्ठ भारत के साथ ही देश के एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम के आर्किटेक्ट भी थे। देश के पहले गृहमंत्री के रूप में उन्होंने एक ऐसी व्यवस्था बनाने का प्रयास किया जो देश के सामान्य मानवीय के लिए हो, जिसकी नीतियों में नैतिकता हो। लेकिन बाद के दशकों में हमने देखा कि कुछ अलग ही परिस्थितियां बनी। आप सभी को याद होगा, हजारों करोड़ के घोटाले, शेल कंपनियों का जाल, टैक्स हैरेसमेंट, टैक्स चोरी, ये सब बरसों तक चर्चा के केंद्र में रहा। साथियों, 2014 में जब देश ने एक बड़े परिवर्तन का फैसला लिया, जब देश एक नई दिशा में आगे बढ़ा, बहुत बड़ा चैलेंज था इस माहौल को बदलना। ऐसे क्या देश ऐसे ही चलेगा? देश में ऐसे ही होता रहेगा? इस सोच को बदलना शपथ ग्रहण के बाद इस सरकार के पहले दो तीन आदेशों में काले धन के खिलाफ कमेटी बनाने का भी फैसला शामिल था। सुप्रीम कोर्ट के कहने के बावजूद इस कमेटी का गठन लटका हुआ था। इस फैसले ने भ्रष्टाचार के खिलाफ सरकार का कमिटमेंट दिखा दिया। बीते वर्षों में देश इसी तरह करप्शन पर जीरो टॉलरेंस की अप्रोच के साथ आगे बढ़ा है। वर्ष 2014 से अब तक देश की प्रशासनिक व्यवस्थाओं में, बैंकिंग प्रणाली में, हेल्थ सेक्टर में, एजुकेशन सेक्टर में, लेबर, एग्रीकल्चर, हर सेक्टर में रिफॉर्म हुए। ये पूरा दौर बड़े सुधारों का रहा। इन सुधारों को आधार बनाकर आज भारत आत्मनिर्भर भारत के अभियान को सफल बनाने में पूरी शक्ति से जुटा हुआ है। हमारा ध्येय है कि हम भारत को दुनिया के अग्रिम पंक्ति वाले देशों में लेकर जाएं। लेकिन साथियों, विकास के लिए जरूरी है कि हमारी जो प्रशासनिक व्यवस्थाएं हैं वो ट्रांसपेरेंट हो, रिस्पॉन्सिबल हो, अकाउंटेबल हो, जनता के प्रति जवाबदेह हो। इन सभी व्यवस्थाओं का सबसे बड़ा शत्रु भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार केवल कुछ रुपयों की ही बात नहीं होती। एक तरफ भ्रष्टाचार से देश के विकास को ठेस पहुंचती है, तो साथ ही भ्रष्टाचार सामाजिक संतुलन को तहस नहस कर देता है। और सबसे अहम, देश की व्यवस्था पर जो भरोसा होना चाहिए, एक अपनेपन का जो भाव होना चाहिए, भ्रष्टाचार उस भरोसे पर हमला करता है। और इसलिए भ्रष्टाचार का डटकर मुकाबला करना
सिर्फ एक एजेंसी या संस्था का दायित्व नहीं, बल्कि इससे निपटना एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है।